गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर हरिओम। आज हम बात करेंगे बोन्स प्रोजेक्शन की, और इससे पहले हम सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल और सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल की बात हम कर चुके हैं। जिस प्रकार से आपको पता ही है कि कोई भी शंकुआकार प्रक्षेप बनाने के लिए आपको एक शंकु चाहिए होता है, और वह शंकु यदि हम ग्लोब के ऊपर इस प्रकार से चढ़ाएं कि शंकु किसी एक अक्षांश रेखा को छुए, जिस अक्षांश रेखा को वह शंकु छुएगा उसे मानक अक्षांश रेखा कहते हैं, और मानक अक्षांश रेखा हमेशा शुद्ध होती है। बोन्स प्रोजेक्शन सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल का एक संशोधित रूप है, और इस प्रोजेक्शन को फ्रांसीसी मानचित्रकार रिगोबर्ट बोन्स ने बनाया, इसलिए रिगोबर्ट बोन्स के नाम से ही इसे बोन्स प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्शन में केवल एक स्टैंडर्ड पैरेलल होता है और शंकु उसी स्टैंडर्ड पैरेलल को छूता है। तो जिस प्रकार से हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, RF है 1:20 करोड़ और स्टैंडर्ड पैरेलल है 45 डिग्री नॉर्थ और ग्रेटिक्यूल इंटरवल 15 डिग्री, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंतराल 15 डिग्री होता है, और एक्सटेंशन ऑफ एरिया इंटरवल को हमें दिखाना है, उसका जो विस्तार है वह 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व तक है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र को हमने बोन्स प्रोजेक्शन की सहायता से बनाना है। कोई भी प्रक्षेप बनाने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ती है, और ग्लोब कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा वह उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है रेडियस ऑफ द ग्लोब। रेडियस ऑफ द ग्लोब हम किस प्रकार से निकालेंगे, RF को यदि हम रेडियस ऑफ द अर्थ से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास रेडियस ऑफ द ग्लोब आ जाता है। तो RF हमारे पास है 1:20 करोड़, और इसको हम गुणा कर देंगे 64 करोड़ सेंटीमीटर्स, लगभग 64 करोड़ सेंटीमीटर्स रेडियस ऑफ अर्थ होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास रेडियस ऑफ द ग्लोब आ जाता है, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 3.2 सेंटीमीटर्स। तो 3.2 सेंटीमीटर्स वह त्रिज्या हुई जिसकी सहायता से हम ग्लोब की रचना करते हैं या ग्लोब की कल्पना करते हैं। यदि 3.2 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर यदि एक हम सर्कल ड्रा करते हैं तो वह सर्कल उस ग्लोब को प्रदर्शित करेगा जिस ग्लोब की सहायता से हमने बोन्स प्रोजेक्शन बनाना है। अब हम 3.2 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक सर्कल ड्रा करेंगे जो ग्लोब को प्रदर्शित करेगा। तो ये हुआ वो सर्कल जो ग्लोब को प्रदर्शित करेगा। इसके हम ध्रुवीय व्यास ले लेते हैं, ये ध्रुवीय व्यास हुआ N और S, यहाँ पर N है और यहाँ पर S, और ये हुआ भूमध्यरेखीय व्यास E और Q, और ये दोनों C बिंदु पर काटते हैं। क्योंकि हमारा अक्षांश रेखाओं का जो अंतराल है वो 15 डिग्री है, इसलिए C बिंदु पर 15 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का और 75 डिग्री का कोण हम बना लेते हैं। ये सभी जो कोण है एन क्यू चाप को स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई पर काटते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड पैरेलल है वो 45 डिग्री है, तो इसलिए 45 डिग्री का जो कोण है उस बिंदु पर हम एक राइट एंगल बनाएंगे। यह राइट एंगल आगे बढ़ते हुए सी एन रेखा को आगे बढ़ाकर यह के बिंदु पर काटता है, जिस सी बिंदु पर, स्मॉल सी पर हमने एक राइट एंगल बनाया जो आगे बढ़ाते हुए सी एन रेखा को के बिंदु पर काटता है। अब 15 डिग्री का जो देशांतर रेखाओं का अंतराल है, 15 डिग्री का हम चापकर्ण यहाँ पर निकाल लेंगे, जिसकी सहायता से किसी भी अक्षांश रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमारे पास आ जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है लेंथ ऑफ 15 डिग्री कोण, यह हम निकाल लेंगे, और ये कोण क्या है, चापकर्ण,
15 डिग्री के चाप कण की लंबाई हम यहाँ पर निकाल लेंगे, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है 2πr × 15/360। इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। और इस ये 2πr क्या है, किसी भी सर्कल की परिधि निकालने का फार्मूला है। और एक सर्कल की जो परिधि है उसके अंदर 360 कोण की लंबाई समायोजित होती है। उस 360 कोणों की लंबाई में से 15 डिग्री के कोण की यदि हम लंबाई निकाल लेंगे तो वो इस फार्मूले से हमारे पास आ जाएगी। और ये इस प्रकार से हुआ 2×22/7 × r था हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर और गुणा 15/360। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैलकुलेट करने के पास हमारे पास आता है 0.84 सेंटीमीटर, 0.84 सेंटीमीटर हमारे पास ये 15 डिग्री के चाप कण की लंबाई आ जाती है। अब 0.84 प्रकार खोलेंगे और इस सी बिंदु पर रखेंगे और एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ये अर्धवृत्त हुआ, यह सी क्यू को स्मॉल क्यू पर काटता है और सी ए को एम पर काटता है और सी बी को एन पर, सी स्मॉल सी को ओ पर, स्मॉल ओ पर, और सी डी को पी स्मॉल पी पर, और सी ई को स्मॉल क्यू पर काटता है और सी एन को यहाँ पर ये स्मॉल आर पर काटता है। तो इस प्रकार से ये हुआ अर्धवृत्त जो हमने सी बिंदु पर 0.84 प्रकार खोलकर खींचा। अब हम स्मॉल एन से सी एन रेडियस के ऊपर लंब गिरा लेंगे और यह एम वन पर काटेगा, यहाँ पर है एम वन, और एन बिंदु से लंब गिराएंगे तो ये एन वन पर काटेगा एन वन, ओ बिंदु से गिराएंगे तो ओ वन पर काटेगा, पी बिंदु से गिराएंगे पी वन पर काटेगा, और Q से गिराएंगे तो Q1 पर काटेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 15 डिग्री, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री पर अक्षांश रेखाओं पर किन्हीं दो दिशांतर रेखाओं की दूरी हमारे पास आ जाती है। अब हम प्रोजेक्शन की रचना करेंगे। बॉन्ज प्रोजेक्शन की रचना करने के लिए यहाँ पर हम P1 को एक रेखा ले लेते हैं, ये P और P1। अब KC जो 45 डिग्री का एंगल था, जो स्टैंडर्ड पैरेलल थी, K से C स्मॉल C तक प्रकार खोलेंगे और P बिंदु पर रखेंगे और एक चाप हम यहाँ पे इस प्रकार से लगा देते हैं। यह हुई हमारी स्टैंडर्ड पैरेलल। इसको हम थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं शुरू में ही, ताकि बाद में हमें ज़्यादा डार्क करने की आवश्यकता ना पड़े। तो यह हुआ हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल। अब क्योंकि हमारे पास जो ग्रेटिक्यूल इंटरवल था वो 15 डिग्री का था और 15 डिग्री का चाप कोण हमने निकाल रखा था, वो था हमारे पास 0.84 सेंटीमीटर। 0.84 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे, ये 45 डिग्री की रेखा है तो यहाँ से 60 डिग्री का निशान लगाएंगे, 75 डिग्री का निशान लगाएंगे और 90 डिग्री का निशान लगाएंगे। और इस प्रकार से 45 से 30 और ये 15 और ये 0 डिग्री के लिए हम निशान लगा लेंगे। उसी पी बिंदु को केंद्र मानकर हम इन बिंदुओं से अन्य अक्षांश रेखाएं हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे और ये आती है 15 डिग्री के लिए और ये आ जाती है 0 डिग्री के लिए। तो ये सभी अक्षांश रेखाएं हमारे पास आ जाती हैं और सभी अक्षांश रेखाएं सकेंद्रीय चाप है, एक ही बिंदु को केंद्र मानकर सभी चाप खींची गई हैं और सभी अक्षांश रेखाओं के बीच का जो अंतर है वो एक समान रहता है। अब बात आती है देशांतर रेखाओं की। अब देशांतर रेखाएं खींचने के लिए हमारे पास अलग अलग दिशांतर रेखा के लिए अलग अलग दूरी यहाँ पर है। जिस प्रकार से ये हमारी 0 डिग्री है या 0 का एंगल है सी बिंदु पर, सी को रेखा पर 0 का कोण है और इस पर जो दो दिशांतर रेखाओं की दूरी है वो हमारे पास होगी सी स्मॉल क्यू। अब सी स्मॉल क्यू प्रकार खोलेंगे और इस बिंदु पर रखेंगे, 0 डिग्री पर रखेंगे और 15 डिग्री के लिए एक निशान लगाएंगे, 15
क्योंकि हमारा जो एरिया है 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट है, तो जो ये हमारी सेंट्रल मेरिडियन है वह हमारी 90 डिग्री ईस्ट को बताएगी या 90 डिग्री पूर्व को बताएगी। तो इस प्रकार जो हमने यहाँ पर प्रकार रखी और सी क्यू प्रकार खोली और एक निशान लगाया, तो यह निशान 90 से 15 डिग्री के अंतराल पर 105 डिग्री का हुआ। उसके बाद दूसरा निशान लगाएंगे 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री, 165 डिग्री और उसके बाद आ जाता है हमारे पास 180 डिग्री। तो इस प्रकार से 6 निशान इधर लगा लेंगे और इस प्रकार 6 निशान इधर लगाएंगे। ये हमारे पास था 90 डिग्री और ये हुआ 75 डिग्री, 60, 45, 30, 15 और ये 0, 6 निशान लगा लेंगे। अब 15 डिग्री की अक्षांश रेखा है, 15 डिग्री की अक्षांश रेखा के लिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमारे पास निर्धारित है और वह इस फिगर से है MM1। MM1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सी बिंदु पर 15 डिग्री का कोण था QCA। तो इस प्रकार से इस एंगल ने, इस CA रेडियस ने इस चाप को या इस अर्धवृत्त को M बिंदु पर काटा हुआ है। तो इस प्रकार से MM1 प्रकार खोलेंगे, यह 15 डिग्री की अक्षांश रेखा पर दो दशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, तो 6 निशान इसके भी लगा लेंगे और इसी प्रकार से ये 1, 2, 3 सभी 6 निशान यहाँ पर हम लगा लेंगे। N बिंदु N और N1 प्रकार खोलेंगे, एंगल है 30 डिग्री का, 30 डिग्री की अक्षांश रेखा पर जाएंगे और 6 निशान लगा लेंगे और इस प्रकार से O और O1 दूरी हम ले लेंगे और ये एंगल है 45 डिग्री और 45 डिग्री की रेखा पर जाएंगे जो स्टैंडर्ड पैरेलल है, 6 निशान पूर्व में और 6 निशान पश्चिम में हम लगा लेते हैं। और इसी प्रकार से PP1 60 डिग्री 6 निशान और फिर 75 डिग्री पर QQ1 प्रकार खोलेंगे और 75 डिग्री पर निशान लगा लेंगे, 6 निशान और ये 6 और इस प्रकार से यहाँ पे भी 6 निशान हम यहाँ लगा लेंगे ये। और जो 90 डिग्री है वो 90 डिग्री पर कोई निशान नहीं लगा क्योंकि 90 डिग्री के लिए R बिंदु यहाँ पर हमारे पास है, जो CN रेडियस था उसने इस अर्धवृत्त ने उसको R बिंदु पर काटा हुआ है, तो इसलिए इस में कोई भी निशान हम नहीं लगाएंगे। अब पहले वाले निशान से मिलाते हुए एक दिशांतर रेखा खींचेंगे, ये आ जाती है हमारे पास 75 डिग्री की और दूसरी रेखा यह आती है हमारे पास 60 डिग्री की, तीसरी रेखा आती है 45 और फिर ये 30 और यहाँ पर यह आता है 15 और यह आता है हमारे पास 0 डिग्री। तो इस प्रकार से ये फिगर हमारे पास बन जाती है और इस प्रकार से पहले निशान को पहले निशान से मिलाते हुए ये हो गया हमारे पास 105 डिग्री के लिए, दूसरा हुआ 120, 135 और ये हुआ 150 और ये हुआ 165 और ये हुआ 180 डिग्री। तो इस प्रकार से ये हमारे पास बोन्स प्रक्षेप बन जाता है। और जो बाहर की लाइनें हैं उन सभी को हम मिटा देंगे और इन सभी के मान हम लिख देंगे, जैसे कि ये सेंट्रल मेरिडियन है, सेंट्रल मेरिडियन में यहाँ पर है 0, ये हुआ 0, 0 डिग्री और ये है 15 डिग्री और ये 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ हो गया। और इस प्रकार से यहाँ पर था हमारे पास 90 डिग्री, यहाँ था 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री और ये 180 डिग्री ईस्ट और इधर 75 डिग्री और ये 0 डिग्री। इस प्रकार से तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन बन जाता है और इसमें RF यहाँ पे लिख देंगे और स्टैंडर्ड पैरेलल है 45 डिग्री उत्तर और ग्रेटिक्यूल इंटरवल 15 डिग्री और एक्सटेंशन भी हमारे पास है। इस प्रकार से ये हमारे पास प्रक्षेप बन जाता है। अब प्रक्षेप बनाने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात हम करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ में आती है अक्षांश रेखाओं का आकार व आकृति।
अक्षांश रेखाएं कौन सी है सबसे पहले तो हमने ये देखना पड़ेगा। अक्षांश रेखाएं इस बिंदु को बिंदु मानकर हमने सभी अक्षांश रेखाएं चाप की आकृति में खींची हुई हैं, तो सभी अक्षांश रेखाएं इसमें सेकेंद्रीय चाप हैं, एक ही केंद्र को केंद्र मानकर सभी चाप खींची हुई हैं, तो इसलिए ये सभी अक्षांश रेखाएं कॉन्सेंट्रिक आर्क हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वह है देशांतर रेखाओं के आकार और आकृति। देशांतर रेखाओं में सेंट्रल मेरिडियन या केंद्रीय देशांतर रेखा है, एक सीधी रेखा है और अन्य सभी देशांतर रेखाएं वक्र में हैं, ये वक्र हैं या कर्व में खींची गई है और ये कर्व फ्री हैंड कर्व हैं, तो ये हुए देशांतर रेखाओं का आकार और आकृति। अब बात आती है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन। सभी सकेंद्रीय चाप को केंद्रीय देशांतर रेखा 90 डिग्री के कोण पर काट रही है और जो हमारी स्टैंडर्ड पैरेलल है इसको भी सभी देशांतर रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर काट रही हैं। अन्य सभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं में प्रतिच्छेदन है वह तिरछा हो गया है, वह 90 डिग्री से कम है। अगली प्रॉपर्टी की यदि बात हम करें तो इसमें आता है अक्षांश रेखाओं का मापक। अक्षांश रेखाओं का मापक की हम यहाँ बात करेंगे क्योंकि यह शंक्वाकार प्रक्षेप है और शंक्वाकार प्रक्षेप में जो मानक अक्षांश रेखा है वह शुद्ध होती है, तो इसमें मानक अक्षांश रेखा जो 45 डिग्री है वो तो शुद्ध है ही, इसके अतिरिक्त सभी अक्षांश रेखाओं को 15 डिग्री के चापकर्ण की दूरी लेकर बराबर बराबर भागों में डिवाइड किया हुआ है, सभी बराबर बराबर भागों में बांटा हुआ है, तो इसलिए सभी अक्षांश रेखाएं इसमें शुद्ध है। जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री को 15 डिग्री के चापकण के द्वारा बांटा हुआ है, अलग अलग भागों में बांटा हुआ है और 0 डिग्री यहाँ से यहाँ तक निर्धारित है, तो इसलिए 0 डिग्री शुद्ध है। 30 डिग्री, 15 डिग्री और अन्य सभी अक्षांश रेखाएं इसमें शुद्ध है। देशांतर रेखाओं की यदि हम बात करें, देशांतर रेखाओं में केंद्रीय देशांतर रेखा इसमें शुद्ध है क्योंकि केंद्रीय देशांतर रेखा पर किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह 15 डिग्री का चापकर्ण है और 15 डिग्री के चापकर्ण लेकर ये सभी निशान लगाए गए हैं और एक ही केंद्र को केंद्र मानकर सभी चाप खींची गई हैं, इसलिए केंद्रीय देशांतर रेखा इसमें शुद्ध है। अन्य देशांतर रेखाओं का आकार केंद्रीय देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर जाते हुए बढ़ रहा है, लेकिन किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच लंबवत जो दूरी है वह हमेशा इसमें बराबर रहती है, तो इसलिए यह एक समक्षेत्रफल प्रक्षेप है। यह प्रक्षेप समक्षेत्रफल प्रक्षेप क्यों है? क्योंकि इस प्रक्षेप में किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं और दो देशांतर रेखाओं से बने हुए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ग्लोब पर उन्हीं दो अक्षांश रेखाओं और दो देशांतर रेखाओं से बने हुए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इसलिए क्षेत्रफल इसमें शुद्ध रहता है, इसलिए इस प्रक्षेप को समक्षेत्रफल प्रक्षेप कहते हैं। अब बात हम करते हैं इसके उपयोग की, और उपयोग में जहाँ शुद्धता है वहीं उपयोग है, और शुद्धता इसमें क्या है? इसमें क्षेत्रफल शुद्ध रहता है, इसलिए इसमें वितरण मानचित्र बनाए जाएंगे, और क्योंकि केवल एक ही गोलार्ध के इसमें मानचित्र बनाए जा सकते हैं तो इसलिए किसी एक गोलार्ध में फैले हुए कोई भी क्षेत्र हो उनमें वितरण मानचित्र इसकी सहायता से बनाए जा सकते हैं, और क्योंकि 45 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल है तो इसलिए 45 डिग्री के आसपास जितने भी देश हैं उनमें बहुत बढ़िया तरीके से इसमें वितरण मानचित्र बनाए जा सकते हैं। मध्य अक्षांशों में कोई भी देश हो उसमें वितरण मानचित्र बनाए जा सकते हैं, जैसे गेहूं का वितरण है, कपास का वितरण है, फलों का वितरण है, सब्जियों का वितरण है, पशुओं का, जनसंख्या का वितरण है, तो ये इस प्रक्षेप की सहायता से दिखाए जा सकते हैं। इसमें विशेष गुण है कि इस प्रक्षेप की सहायता से एटलस मानचित्र बनाए जाते हैं। एटलस मानचित्र, जितने भी एटलस मानचित्र होते हैं वो ज़्यादातर बोन्स प्रक्षेप की सहायता से बनाए जाते हैं। इस प्रक्षेप की सहायता से उत्तरी अमेरिका, रूस, यूरोप, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों के मानचित्र बहुत बढ़िया तरह से बनाए जा सकते हैं, और इसमें छोटे देशों के तो जो यूरोपियन कंट्री है उन देशों के तो बहुत बढ़िया तरीके से तरह से मानचित्र बनाए जा सकते हैं, जैसे फ्रांस, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, नीदरलैंड,
इन सभी देशों के मानचित्र बहुत बढ़िया तरह से बनाए जा सकते हैं और भारत के पड़ोसी देशों के मानचित्र इस प्रक्षेप में बहुत बढ़िया तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे भारतीय महाद्वीप में जितने भी देश हैं, बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान, कंबोडिया, वियतनाम, इन देशों के मानचित्र बढ़िया तरीके से बनाए जा सकते हैं। और सऊदी अरब, ईरान, इराक और भूमध्य सागर का भी इसमें मानचित्र बनाया जा सकता है। और इसी प्रकार से कैस्पियन सागर, अराल सी, ब्लैक सी, इन सब के मानचित्र बहुत बढ़िया तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो कमी है, क्योंकि केंद्रीय दशांतर रेखा से दूर जाते हुए मानचित्र के विकार आ जाता है, और इसलिए सीमांत क्षेत्रों में बढ़िया तरीके से मानचित्र नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि केंद्रीय देशांतर रेखा शुद्ध है और सभी अक्षांश रेखाएं शुद्ध हैं। तो इस प्रक्षेप में बीच में पड़ने वाले जो देश हैं उनके मानचित्र बहुत बढ़िया तरीके से बनाए जा सकते हैं। आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।